हमारे आदरणीय सरपंच साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय राणा जी, आदरणीय पूर्व सांसद हमारे नारायण सिंह जी आमला बे, आदरणीय विधायक माननीय विधायक बापू, पूर्व विधायक अम्बातिया जी, बीच में हमारे पधारे हुए माननीय पूर्व सांसद रामेश्वर मित्रा जी, जिला कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष जी और आदरणीय साथियों, मैं आभारी हूँ आप सबका जिन्होंने आज हम लोगों का यहाँ स्वागत किया। मैं पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ। जब मैं राजगढ़ का सांसद था तो सुसनेर विधानसभा इसमें शामिल नहीं थी, सिरोंज इस विधानसभा में लोकसभा में शामिल थी, इसलिए आप लोगों के बीच में पहली बार वोट मांगने आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों का समर्थन मुझे मिलेगा। ये चुनाव राजगढ़ लोकसभा सीट पर आपका कौन प्रतिनिधि हो इसका चुनाव है, वोट आप रोडमल नागर या दिग्विजय सिंह, दोनों में से एक को चुनना है, तीसरा तो उम्मीदवार कोई है नहीं। तो अब आपको निर्णय करना है कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि लोकसभा में दमदारी के साथ राजगढ़ की मांग रख सके, राजगढ़ संसदीय क्षेत्र की मांग रख सकते, सुसनेर विधानसभा सीट की और पार्लियामेंट सीट। शाजापुर के हमारे मित्र पूर्व हमारे मंत्री करा जी का हमारा पारिवारिक संबंध रहा है, आज से नहीं कम से कम 35-40 साल से, और आज भी कायम है और हमेशा रहेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि आज हमारे बीच में है। साथियों, भाजपा ये कहती है कि चुनाव रोडमल नागर नहीं लड़ रहे हैं, मोदी जी लड़ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर यहाँ के मतदाता भाइयों बहनों को कोई दिक्कत होगी तो मोदी जी को ढूंढने जाओगे? मोदी जी मिल जाएंगे, रोडमल नागर जी को मोदी जी नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको ये चुनाव स्थानीय विषयों पर चुनाव लड़ने की आवश्यकता है। अच्छा, मुझे बताया कि रोडमल नागर जी नहीं मिल पाते, मैं ये कहने आया हूं कि आपको ये चुनाव इस प्रकार से लड़ना है जैसे सरपंच साहब अपने पंचायत के चुनाव लड़ते हैं। हर गांव, जो जो गांव यहां पर है उनके मतदाता भाइयों को घर घर हम लोग पहचान जाते हैं कि भाई ये हमारा समर्थक है, समर्थक नहीं, ये हमें वोट दे रहा है, हमें वोट नहीं दे रहा है। ये प्लानिंग के साथ आपको आपको तैयारी करनी है। नहीं वकील साहब, अब आपके यहाँ के मंडल अध्यक्ष कौन है? यहाँ के मंडल अध्यक्ष, अच्छा ये मंडल अध्यक्ष है, आप सेक्टर अध्यक्ष हैं और बीएलए। अब आपके मंडल की कमेटी बन गई पूरी, सेक्टर की बन गई है, उसमें महिलाएं कुछ ली कि नहीं ली आपने? महिलाएं लो ना सेक्टर में लो, बीएलए आपके एक बीएलए दो बीएलए हैं? एक ही है। यहाँ पे अब जैसे पोलिंग बूथ एजेंट कौन बना था बाबू का? मनीष लड़ा, मनीष बना था। अच्छा, तो नतीजा क्या रहा था यहाँ पोलिंग बूथ पर? अच्छा, देखो बात यह है, 2019 में भाजपा नागर हमारे रोडमल नागर 4.5 लाख वोट से जीते थे। कितने से? अब 4.5 लाख का गड्ढा खत्म करना आसान काम नहीं है। जब तक उनका 2.5 लाख टूट के हमारे पास नहीं आएगा
तब तक नहीं जीत पाएंगे। इसलिए आप सबको अपने अपने पोलिंग बूथ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब ये संभव नहीं है कि मैं हर पोलिंग बूथ पर पहुंच जाऊं। 2236 पोलिंग बूथ हैं। मनीष आप पोलिंग बूथ एजेंट थे, तो इस बार थोड़ा सा गड्ढा रहा है बेटा विधानसभा में, अब किसे लीड दिलाओगे? अरे सरपंच साहब तो ये आपकी जवाबदारी है, और गड्ढा पूरा करने के लिए अपने को एक एक वोट तोड़ने की आवश्यकता है। जिसने अपने को वोट नहीं भी दिया हो उससे लेने की आवश्यकता है। मैं आपसे इतना ही अनुरोध करने आया हूं, ये चुनाव आपका है, सवा महीने की मेहनत आपकी है, फिर 5 साल की जवाबदारी मेरी है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। लेकिन ये चुनाव हम लोग जीत सकते हैं, क्योंकि नाराजी है लोगों में। मेरा पत्र आपको घर घर बांटने की आवश्यकता है। अध्यक्ष जी, हर मंडल पे हमारा दफ्तर खुलेगा, और उस मंडल में जितने सेक्टर हैं उनके अध्यक्षों के आप कमिटी बनाओ, बीएलए को उसमें साथ लो, पोलिंग बूथ पे भी कमिटी पूरी बनाओ, और उन सब से सब लो, उसमें महिलाओं को शामिल करो, क्योंकि लाडली बहना से कई महिलाएं इधर उधर हो जाती हैं। और हमारा अब ये मांग है कि इन्होंने वादा किया था ना 2700 रुपये गेहूं खरीदेंगे कुंटल, 2700 रुपये कुंटल में वादा किया था ना, क्या भाव खरीद रहे हैं? यानी कि झूठ बोल रहे हैं, धोखा दिया है। फिर कहा था लाडली बहनों से कि 1250 हम दे रहे हैं, 3000 देंगे, 3000 नहीं दी, तो लाडली बहना को भी इस मामले में बताओ। और अगर सरकार कांग्रेस की दिल्ली में बनती है तो 8500 रुपए माहवार बहनों को मिलेगा, यानी कि साल में 1,00,000 रुपए हमारे गरीब परिवार की महिलाओं को दिया जाएगा। बेरोजगार लड़के जो ग्रेजुएशन पास करते हैं उनको 1 साल के लिए 1,00,000 रुपए दिए जाएंगे, ताकि वो कहीं ना कहीं काम कुछ सीख सके। ये हमारी 5 गारंटियां हैं, मेरी चिट्ठी के साथ वो गारंटी। घर घर बंटवाने की जवाबदारी आपकी है, है? और उसके नीचे एक रसीद होगी, उस रसीद पर आप जैसे किसी के घर गए और जाके आपने कहा भाई ये दिग्विजय सिंह जी का की अपील है आप वोट देने की, और क्यों वोट देना चाहिए अब आप समझाइए, और उसके बाद आप उनका फोन